हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, सर्वाइव करना इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा मुश्किल है यार। इमीडिएटली बहुत सारे लोग आपके क्रिटिक्स बन जाते हैं। अगर आपके ऊपर वो शावर करने लगे प्यार, तो आपको इतना प्यार मिलता है कि मतलब आपसे समेटने को नहीं समेटता, ऐसा हो जाता है। और रातों रात किस वजह से क्या बॉयकॉट हो जाए और क्या आपके फेवर में चला जाए, आपको कुछ नहीं पता होता। रातों रात आप किसके हीरो बन जाओ और रातों रात आपकी बैंड किस वजह से बजा दी जाए, कुछ पता नहीं होता। और स्पेसिफिकली अगर आप एक स्टार किड है, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको अपने आपको प्रूव करना होता है, आपके पेरेंट्स से आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। तो हीरोपंती 2 अब आ रही है, जिसके अंदर आप टाइगर श्रॉफ को देखेंगे। पहले तो मैं टाइगर श्रॉफ को डिस्क्राइब करना चाहूँगा, मैं फिर आपको बताऊँगा कि कब और कितने बजे रिलीज़ हो रही है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हीरोपंती 2 से। देखो, बहुत सारे एक्टर्स आए, उनके बच्चे आए, और उनके बच्चों को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट रखना पड़ा, तभी वो आगे चले। अदरवाइज उनका थैंक यू हो गया, कर्टसी ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी सेड यार कोई भी हो, बड़े से बड़ा एक्टर हो, चाहे राजेंद्र कुमार का जो सन थे वो आए, कुमार गौरव आए, वो भी फेल हो गए। इनिशियली बॉबी देओल ऑल्सो टुक हिज करियर लाइटली, तो वो भी नहीं ज़्यादा जमे। अरबाज खान हो गए, सुहेल खान हो गए, बड़े सारे लोग हैं। अब सलमान खान के अगर खुद के भाई नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सारी पावर है। दैट इज़ गुड न्यूज़। अब उसको न्यूज़ वाले चैनल वाले किस तरीके से परोसते हैं, कुछ नेपोटिज्म बोल देंगे, ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, वो उनको बोलने दो। बट द आइडिया हेयर इज दैट वी नो द ट्रूथ दैट पावर इज़ इन आवर हैंड। लेकिन पावर इन हार इन हैंड का मतलब ये भी है कि हमें टैलेंट को प्रमोट करना है, चाहे वो इन हाउस आए चाहे आउटसाइड आए। बिकॉज फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर है। अब रणबीर कपूर जितना टैलेंटेड एक्टर मेरे ख्याल से कम ही होंगे, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। तो अब ये नहीं कह सकते कि नेपोटिज्म होगा, ये होगा। देर इन द बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग फॉर ईयर्स नाउ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, ठीक है, उनका ये प्रोफेशन रहा है, कई सालों से रहा है। बट हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते आपको। तो आधार जैन जब आया, तो उसको लगा, हमें लगा कि ये कट कॉपी पेस्ट वाला मामला है और हम नहीं ले सकते, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये रणबीर कपूर जैसी थोड़ी बहुत एक्टिंग करता है, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विच इज़ गुड। और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी कोई भी मूवी आती नहीं चलती। ऐसे ही रणबीर कपूर की मूवी सारी चलती हैं। अब यहाँ पर अगर टाइगर श्रॉफ की बात करें, तो उसने बोला कि अगर ठीक है, मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ, मुझे आता नहीं, बट एक चीज़ है जो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट है, मेरा जो एजिलिटी है बॉडी के अंदर, जिस तरीके से मैं अपने स्टंट्स को परफॉर्म कर सकता हूँ, डांस को परफॉर्म कर सकता हूँ, ये मुझे एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर देता है। और मैं कुछ ज़्यादा पहले इनिशियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं इसी चीज़ को आगे लेके जाऊंगा और इसी चीज़ के अंदर ही एक्सेल करूंगा। और इसी चीज़ को एक्सेल करते करते वो हीरोपंती 2 तक पहुंच गया है। इतनी सारी बीच में मूवीज़ आई जिसके अंदर उसने मारधाड़ मचा दी, और यहाँ पर भी मारधाड़ कम नहीं होने वाली, और इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होने वाली है। अहमद खान जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि भाई इतना बड़ा एक्शन आपने कभी भी नहीं देखा होगा, जहाँ पर बबलू का कैरेक्टर रिटर्न्स। इस बारी तारा सुतारिया है, कृति सानन नहीं है, और वो रात को ऐसा बताया जा रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि उसके अंदर की जो भावना है वो इस तरीके की होती है कि वो रात को लोगों को बचाता बचाता भी है बैडीज से, और फिर इंडिया की सरकार उसको किसी मिशन के ऊपर भेजती है रशिया। अब रशिया में वो क्या आतंक बचाएगा, वो देखने वाली बात होगी। बट जिस तरीके के इसके पोस्टर्स आए हैं, जिस तरीके के इसके फर्स्ट विजुअल्स आए हैं, वो बड़े ही फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इन एक्शन लग रहे हैं। पोस्टर के अंदर भी इन एक्शन लग रहा है, अगर आप देखो तो जूम करके लाइट जा रही है, ये सब हो रहा है, तो काफी जबरदस्त है। और यूथ में स्पेसिफिकली टाइगर श्रॉफ का काफी ज्यादा क्रेज है, विच इज गुड न्यूज। तो इसका जो ट्रेलर है वो आज ही रिलीज हो जाएगा, 12 बजे दोपहर को रिलीज होगा। उसके बाद देख के मैं अपना रिएक्शन शेयर करूंगा, और 29 अप्रैल को इस ये मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी थिएटर्स के अंदर। तो जिस तरीके का क्रेज टाइगर श्रॉफ का है, और उसने अपनी एक डिस्टिंक्ट पोजिशनिंग बना ली है बेसिस हिज ओन सेट ऑफ टैलेंट, तो ऐसा लग रहा है कि उसको ये ओपनिंग वगैरह भी अच्छी मिलेगी। काफ़ी बागी 3 को भी जिस तरीके से काफ़ी बड़ी ओपनिंग मिली थी, हालांकि मूवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, एक्शन बहुत अच्छा था। अगेन होपफुली ये थोड़ी सेंसिबल एक्शन मूवी हो, क्योंकि एक्शन के अंदर अगर इमोशन नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा टाइम टाइम पे सो जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आता। सो होपफुली ये बैलेंस ठीक ठाक बनाए अहमद खान इसके अंदर। बाकी जब ट्रेलर आएगा तब थोड़ी और चर्चा करेंगे। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।